जा रही हो? विशाल और संध्या बाहर गए हैं। अरे माँ जी, मुझे ना वो रील वीडियो शूट करना है। अच्छा माँ जी, आप कर देंगे क्या? बस कैमरा हैंडल करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये सब मुझे पसंद नहीं है। इस घर को फिल्म सिटी मत बनाओ। अरे माँ जी, कुछ नहीं होता। आपकी उम्र के लोग तो ना रील वीडियोस बना बना के फेमस हो रहे और पैसे कमा रहे। आप बस वैसा वैसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। फोन पकड़िए, ये देखिए, कुछ भी नहीं करना है। मैंने टाइमर सेट कर दिया है, आपको ये जो लाल वाला गोल बटन है ना, बस ये दबा के रखना है, ठीक है? हाँ, अच्छे से बस ऐसे ही पकड़ के रखना। संध्या, ये लो पैसे और आज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच। मैं ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। संध्या, मिल गई खर्चा करने वाली। अभी पता करता हूँ रहती कहाँ। चालू हो जा, चालू हो जा, वरना निकल जाएगी हाथ से। हो जा स्टार्ट, हाथ से मछली निकल जाएगी। तेरे को भी अभी बंद करना पड़ेगा। शिट, कैसी फूटी किस्मत है, मछली हाथ में आते आते निकल गई। जीजू, आपकी शादी को 1 साल हो गया। और 1 साल कब गुजर गया कुछ पता नहीं चला। वही तो, और आपने फैमिली स्टार्ट नहीं की। फैमिली स्टार्ट नहीं की मतलब? अरे मतलब बच्चा यार, लड़का लड़की वगैरह वगैरह। क्या कर रहे हो तुम लोग? टाइम तो देखो। विशाल, अपने कमरे में जाओ, सारी दुनिया सो रही है और तुम टाइम पास कर रहे हो। रुमाल भर के कपड़े में कोई कपड़े होते? अरे तुम लोग दिखाने के लिए पहनते हो या छुपाने के लिए? ऐसा करने से समाज में गंदगी फैलती है। गंदगी फैलती है? जरा क्लियर करेंगी माँ जी, गंदगी कैसे फैलती है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। बहस तो मैं भी नहीं कर रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहती हूँ आपसे। जरा जानना चाहती हूँ कि कपड़े पहनने से या नहीं पहनने से गंदगी कैसे फैल सकती है? क्यों, कपड़े ना पहनने से गंदगी नहीं फैलेगी? तो मतलब कपड़े जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा साफ होंगे, और छोटे कपड़ों को तो साफ करने में टाइम भी कम लगता है। कपड़े गंदे तब होते हैं जब वो लंबे होते हैं और जमीन को टच करते हैं। तो मेरे कपड़े तो इतने से। पागल, अभी अभी हुई हो या बचपन से हो? क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए? अरे माँ जी, ये फैशन है, वो फैशन को गंदगी नहीं बोलते। अब आपके दौर में कुछ और फैशन था, हमारे दौर में कुछ और फैशन है, सिंपल। तुम लोगों को समझाना मतलब सर पटकना। जीजू, वेट। क्या हुआ साली साहिबा? जीजू, आज ना मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो आप मुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ देंगे क्या? ऑटो स्टैंड क्यों, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ के आऊंगा आज।
आप कितने स्वीट हो जीजू। देख तेरी बहन को, साली आदमी घरवाली होती है लेकिन इसकी हरकतें तो ऐसी लग रही है जैसे पूरी घरवाली बनने की फिराक में है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैंने ही रेनू को कहा था कि विशाल जी रेनू को ना जॉब इंटरव्यू के लिए ऑफिस छोड़ देंगे, और अब तक तो आप रेनू का नेचर जान ही चुकी होंगी। वो ना अपनी खुशी थोड़ा लाउडली एक्सप्रेस करती है। दीदी ने इंटरव्यू कैसे गया जाने बगैर ही प्रिडिक्ट कर लिया कि इंटरव्यू अच्छा ही गया होगा। क्या करूं, दीदी को बता दूं कि जॉब नहीं मिली है, झूठ कहूं दीदी को जिससे कुछ दिन दीदी के यहाँ रुकूं और कोई और जॉब ढूंढ लूं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे एक बार संध्या से बात करा दो। मैंने संध्या का नंबर भी बहुत बार ट्राई किया बट बंद आ रहा था, प्लीज मुझे उसका नया नंबर दे दो प्लीज। तुमने इतने बड़े बड़े वादे किए मेरी दीदी से शादी के और किसी और लड़की के लिए उनको छोड़ दिया, अब क्या चाहते हो मेरी दीदी से? रेनू मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, बस मुझे कुछ दिन के लिए थोड़े उधार पैसे चाहिए, मैं पक्का लौटा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ऐसे कह रहे हो जैसे पहले मेरी बहन से पैसे लेके चुका दिए हो। यार रेनू चुका दूंगा प्रॉमिस, मैंने कुछ क्रिमिनल लोगों से पैसे उधार लिए, अगर टाइम पर नहीं लौटाया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम संध्या, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तुम ना दूर रहो मुझसे और मेरी बहन से भी। संध्या संध्या प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। संध्या मैं संध्या के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ आई? चल रेनू। संध्या संध्या थैंक यू सो मच, मैं ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। क्या सोच रही थी? हाँ कुछ नहीं, रवि के बारे में सोच रही हूँ मैं। हाँ भी और नहीं भी, पर ये बता वो तुझसे क्या कह रहा था? उसने कुछ क्रिमिनल लोगों से पैसे लिए थे इसलिए आपका नंबर मांग रहा था कि आप उसे पैसे दे दो। जो गलती मैंने उस पे पहले ट्रस्ट करने की थी ना, वो गलती अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। गुड दीदी। पर यार तेरी जॉब मिलने की खुशी में ना हम पार्टी नहीं कर पाए। पर जॉब तो मिली ही नहीं दीदी। अरे कोई बात नहीं, कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। अच्छा चल मैं ना तेरा टिकट बुक करा देती हूँ वापसी का, वरना तू जॉब के बिना अगर एक भी दिन आ रही ना तो मेरी सासू माँ मेरी जान ले लेंगी। यार मुझे वापस नहीं जाना है, यार रहूंगी तो ही जॉब ढूंढ पाऊंगी, वापस चली गई तो वापस नहीं आ पाऊंगी, क्या करूं क्या करूं। अरे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि इंटरव्यू के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, आज पहला राउंड था वो क्लियर हो गया, अभी एक दो राउंड्स बाकी हैं। अच्छा, अरे मुझे मालूम था मेरी बहन को कोई ना कर ही नहीं सकता है। हाँ दीदी मुझे भी यही लगता था। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।